हेलो मैं बोल रहा हूँ। जेके यू आई एम मिसिंग यू सो मच डार्लिंग। लेकिन जेके हम लोग कल रात ही तो साथ थे। हाँ लेकिन कल रात यानी पूरे 17 घंटे पहले यानी 1020 मिनट पहले यानी 61,200 सेकंड पहले यानी कि क्या? यानी कि मैं अभी तुम्हें देखना चाहता हूँ, अभी तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। नहीं जीके, आज नहीं, फिर कभी। क्यों? वो क्या है ना, मैं अपनी सहेलियों के साथ आज हम साथ साथ हैं देखने जा रही हूँ। तुम हम साथ साथ हैं देखने जा रही हो और मुझे साथ लिए बगैर? जेके, वो कितने दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है, कम से कम एक दिन तो मुझे उनके साथ गुजारने दो। नो नो जान, तुम्हारे हर दिन हर घंटे हर पल पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक है। वो तो है डार्लिंग, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टुडे। देखो स्मिता, जेके 5 बज चुके हैं, वो लोग आती होंगी, मुझे तैयार भी होना है, मैं फोन रख रही हूँ। स्मिता, अगर तुमने फोन रखा तो फिर कभी मेरी आवाज नहीं सुनोगी, कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगी। देखो मैं बाय। हो गया मालकिन, मैं जाऊं? हाँ लेकिन कल जल्दी आना। जी मालकिन। अच्छा डाली, मैं भी अभी चलता हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होके आता हूँ। ओके ओके, बाय बाय। रोहित। या जल्दी आ डार्लिंग। यूं गया और यूं आया,
मैं इंतजार करूंगी। अरे मैं आता हूँ ना अभी, टेक केयर। खई के पान बनारस वाला। अरे कहो साहब, गाड़ी ढूंढ रहे हैं अपना? हाँ, यहाँ वो एक लाल कलर की मारुति खड़ी थी ना। गजब कटे है जी, गजब कटे है। अरे उसको तो आरटीओ वाले उठा कर ले गए हैं। वो देखिए, वहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा है। ओह माय गॉड। हाँ मैं। तो ये थी आपकी सहेली। लुकिंग स्मार्ट टुडे, हैव अ सिप। मैं तो सिर्फ स्मार्ट दिखता हूं, लेकिन तुम स्मार्ट हो। मेरे दिए हुए पैसों पर मेरे ही घर में किसी और के साथ अय्याशी कर रही हो? कम ऑन जेके, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। अच्छा, सिर्फ दोस्त? और उस दोस्त के साथ शाम को बाहर जाने के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला? शायद तुम भूल गई हो कि तुम मेरी रखेल हो। यू आर माई कीप। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी रखेल हूँ, लेकिन सारी जिंदगी मैं रखेल बनकर नहीं गुजारना चाहती। मेरी भी अपनी ख्वाहिशें हैं, अरमान है, सपने हैं, जिन्हें तुम कभी पूरा नहीं कर सकते। क्या नहीं किया मैंने? घर, कपड़े, पैसे, और क्या चाहिए तुम्हें? शादी कर लो मुझसे, दे दो अपनी बीवी मधु को तलाक। लेकिन वो तुमसे कभी नहीं होगा। अरे जो आदमी अपना चेहरा इस दाढ़ी और हेड के पीछे छुपा कर मेरे पास आता है, वो मुझे क्या अपना नाम देगा? तुम्हें क्या पता अपने रिलेशंस दुनिया से छुपाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन रोहित, रोहित मुझे वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जो मुझे चाहिए। रोहित मुझसे शादी करने के लिए तैयार है जेके, वो मुझे अपना नाम देने के लिए तैयार है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, और रोहित वो मुझे एक नई जिंदगी देना चाहता है, समझे तुम? नई जिंदगी। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं रोहित से शादी कर रही हूं। Thank you.
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जान। थैंक यू। अरे का हुआ साहब, गाड़ी मिल गई ना? हाँ मिल गई थी। पापा 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 स्मिता, स्मिता, स्मिता कहाँ गई वो? स्मिता, ओह माय गॉड, नो, स्मिता, स्मिता, स्मिता साहब। मिलॉर्ड, केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। सिर्फ 6 महीने के बाद ही अदालत के लिए इस केस में जानने को कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 5:30 से 6:30 के बीच किया गया और मुलजिम रोहित उस दौरान बक्तुला स्मिता के साथ ही था। इसकी गवाही स्मिता की नौकरानी शांताबाई, स्मिता के घर के सामने पान वाले पांडे जी और पुलिस वाले जिन्होंने उस दिन नो पार्किंग से इनकी गाड़ी उठाई थी सब दे चुके हैं। कमरे की जो हालत थी और लाश जिस पोजीशन में पाई गई थी, इसे साफ जाहिर होता है कि रोहित और स्मिता के बीच किसी बात पर बहुत झगड़ा हुआ। बात हाथापाई पर पहुंच गई और गुस्से में आकर रोहित ने उसका कत्ल कर दिया और फरार हो गया। इट्स अ क्राइम ऑफ पैशन। लेकिन एक मशहूर कहावत है मिलॉर्ड कि कातिल हमेशा कत्ल की जगह पर एक बार लौटकर जरूर आता है और मुलजिम रोहित ने भी वही किया। 7 बजने की ठीक थोड़ी देर बाद वो मौकाए वारदात पर आया और वहां से अपने जुर्म का हर सुराग मिटाने की कोशिश की। इसने बियर मग साफ किए, अपनी छोटी मोटी चीजें उठाई और जहां जहां भी अपनी फिंगरप्रिंट्स हो सकती थी मिटा दी। लेकिन इसे मालूम नहीं था कि जुर्म अपनी गवाही खुद देता है। तमाम कोशिशों के बावजूद मौकाए वारदात पर 6 जगह पर अपनी फिंगरप्रिंट्स और बाहर 3 गवाह छोड़ गया। इट्स एन ओपन एंड शट केस। अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत मुलजिम को मुजरिम करार देते हुए कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।
That's all, Your Honor. वकील सफाई को कुछ कहना है? No, Your Honor. तमाम गवाहों के बयानात और मौका वारदात पर प्राप्त सबूतों के आधार पर यह अदालत मुलजिम रोहित पटवर्धन को मुजरिम करार देते हुए ताजरात हिंद की दफा 302 के तहत सजाए मौत का तो जरा याद करने की कोशिश कीजिए ना श्याम जी कि कत्ल वाले दिन यहां शाम 6 और 6:30 के बीच में और कौन कौन आया था। देखो श्याम जी, तुम्हें थोड़ा याददाश्त पे जोर डालना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे इस बयान पे एक जिंदगी निर्भर है। कोई और तो नहीं आया था पर रोहिते जी को अपनी ही गाड़ी के पीछे भागते हुए देखा था। अच्छा ये बताओ श्याम जी कि स्मिता जी के घर में उनकी नौकरानी शांताबाई और रोहित के अलावा और कौन कौन आता था? उनकी 2-3 सहेलियां आती थी और हाँ एक साहब भी आते थे। हर रोज? हर रोज तो नहीं, हफ्ते में 2-3 बार आते हैं। हाँ और एक बात हमको याद आई, वो साहब भी उस दिन उनको अंदर जाते हुए तो नहीं देखा था पर बाहर आते हुए जरूर देखा था। कितने बजे थे तब? टाइम का तो ठीक से ध्यान नहीं है पर रोहित जी के दोबारा आने के कुछ देर पहले उनको मैंने देखा था। उनका नाम होलिया कुछ बता सकते हो? नाम तो मालूम नहीं है पर लंबा तगड़ा अधेड़ उम्र का आदमी, कैप हमेशा लगाते थे और दाढ़ी भी थी उनकी साहब। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि कातिल कोई लंबा चौड़ा कदकाठी वाला और दाढ़ी वाला है। लेकिन सर दाढ़ी नकली भी हो सकती है और इस शहर में दाढ़ी वाले और इस कदकाठी के लाखों लोग होंगे, हम कहां तक उसे ढूंढते फिरेंगे? Maybe you're right. स्मिता की नौकरानी शांता भाई से बात करते हैं। जी। शायद वो इस केस में कुछ रोशनी डाले। हाँ साहब, ऐसे एक साहब बरोबर स्मिता मेम साहब के आया करते थे और उन दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। झगड़ा हुआ करता था? हाँ साहब, वो दोनों तो बरोबर झगड़ते रहते थे। किस बात पर? शायद किसी मधु नाम की लड़की को लेकर झगड़ा हुआ करता था, शायद वो उस आदमी की पत्नी रही होगी। ऐसी क्या कत्ल वाले दिन तुमने उसे देखा था? नहीं साहब, उस दिन तो वो आदमी बाहर नहीं आया था। उस आदमी का नाम क्या है? नाम एक मिनट,
ये लाइटर दिखाना, ये लाइटर तो पाइप जलाने का लाइटर, तुम तो बीड़ी पी रहे हो। ये लाइटर तुम्हारे पास कहाँ से आया? साहब ये उन्हीं साहब का है, एक दिन भूल गए थे तो मैंने चुरा लिया। इस लाइटर के ये मायने हुए कि कातिल पाइप पीता है। कातिल का नाम जेके है, उसका शॉर्ट फॉर्म। उसकी पत्नी का नाम मधु है और स्मिता के तुम्हारे अलावा उसके साथ भी संबंध थे। जब उसे पता चला कि स्मिता के तुम्हारे साथ भी संबंध हैं तो उसने स्मिता का खून कर दिया। बस तुम्हारे केस में यही तरक्की हुई है, लेकिन इस मामले के तय तक पहुंचने के लिए मुझे स्मिता के घर जाना होगा। इस चाबी का ताला तो मिल गया श्रीवास्तव, लेकिन इस चाबी का ताला हमें खोजना है। पूरे कमरे की तलाशी लो श्रीवास्तव। सर सर ये डायरी मिली है। क्या खास बात है इस डायरी में? वेरी स्ट्रेंज, बाकी सारे नंबरों से पहले नाम लिखा हुआ है, लेकिन इन्हें एक नंबर बिना नाम का। देखें, हेलो डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट? एक्सक्यूज मी सर। जी यहाँ कोई मिस्टर जे के नाम के आदमी है? कोई वकील या कोई? आप जज साहब की बात कर रहे हैं, उन्हीं को यहाँ जे के कहते हैं, जुगल किशोर मेहता। जुगल किशोर मेहता उर्फ जे के, ये मिलेंगे कहाँ पर अभी? जी कोर्ट में, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है, आज उनका आखिरी दिन।
जिंदगी के 17 साल मैंने इस जगह पर गुजारे, शुरू के 10 साल एक वकील के रूप में और 7 साल एक जज के रूप में, लेकिन आज के बाद शायद मैं इस कोर्ट रूम में तो क्या, किसी भी कोर्ट रूम में कभी नहीं जाऊंगा। आप तो नहीं जाएंगे सर, लेकिन आपके दिए हुए फैसले लोग हमेशा याद रखेंगे। वैसे आपके इतने लंबे करियर में क्या कभी कोई ऐसा मुकदमा आया जिसमें आपको मालूम हो कि कटघरे में खड़ा आदमी सचमुच गुनहगार है, फिर भी आपको उसे छोड़ना पड़ा हो क्योंकि आपके पास पर्याप्त सबूत या गवाह नहीं थे? जी नहीं, कभी नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि कुछ समय के लिए अपराधी सजा से बच जाता है, लेकिन एट लास्ट, अब इसे अपराधी का दुर्भाग्य कहें या कानून का भाग्य, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मुजरिम पकड़ा जरूर जाता है। इसे आप ईश्वरीय न्याय कह लें या कॉस्मिक जस्टिस, लेकिन मुजरिम हमेशा पकड़ा जाता है। एक्सक्यूज मी सर, सर ये मैं मानता हूं कि मुजरिम कभी ना कभी कानून की पकड़ में तो आता ही है, लेकिन बाज वक्त ऐसा भी होता है कि कानून में कुछ कमियों की वजह से या यूं कह लीजिए बैड लक से कोई निर्दोष कानून के शिकंजे में फंस जाता। मैं आपसे पूछता हूं सर, क्या कभी आपके सामने ऐसा कोई केस आया है जहां आपको पता है कि वो इंसान जो कटघरे में खड़ा है वो निर्दोष, सारे गवाह और सबूत उसके खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी आपको उसे सजा सुनानी पड़े? जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन आप? सर ये इंस्पेक्टर भारत क्राइम ब्रांच से। ओह, हेलो इंस्पेक्टर। हेलो सर। सर इफ यू डोंट माइंड आप लोग बातें करें, मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, पर बात दरअसल ये है कि मैं एक थीसिस लिख रहा हूँ, कैपिटल पनिशमेंट वर्सेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और इसी सिलसिले में आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। ओह यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। लेकिन इंस्पेक्टर, मेरी नज़र में ऐसा कोई केस अभी तक गुजरा नहीं है जिसमें बेगुनाह को सजा हुई, और मैं सोचता हूँ कि ऐसा हो भी नहीं सकता। मगर फिर भी कभी अगर ऐसा हुआ हो तो लेट्स सपोज तो केस रीओपन करना पड़ेगा। इसे तो नहीं ढूंढ रहे हो? आप ही का लाइटर है, अभी अभी बाहर मिला मुझे। मेरे पास अपना लाइटर। हाँ सर, मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपको इतने सालों का तजुर्बा है, फिर भी किसी की शक्ल देखकर, सिर्फ शक्ल देखकर यह तय करना कि यह गुनहगार है या नहीं, थोड़ा सा मुश्किल काम होता होगा ना सर, आपका क्या ख्याल है? क्या नाम बताया आपने आपका? इंस्पेक्टर भारत। मिस्टर भारत, इंस्पेक्टर होने के नाते आपको यह मालूम होना चाहिए कि अदालत का फैसला किसी की शक्ल देखकर नहीं होता, बल्कि सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर होता है। जी हाँ, और इंस्पेक्टर होने के नाते ही मैं ये भी बखूबी जानता हूं कि सबूत और गवाह पैदा भी की जा सकते हैं, और कभी कभी परिस्थितियां भी उन्हें पैदा करती हैं। आप किसी खास केस की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं रोहित पटवर्धन के केस की बात कर रहा हूं।
जिसे कुछ दिन पहले आपने मौत की सजा सुनाई थी, कैपिटल पनिशमेंट। आप शायद स्मिता मर्डर केस की बात कर रहे हैं। जी हाँ सर। लेकिन उसने तो हाई कोर्ट में अपील की हुई, मुझे नहीं लगता कि वहां भी कुछ होने वाला है, क्योंकि सारे गवाह और सबूत उसके खिलाफ। मैं मानता हूं सर, लेकिन अदालत में यह भी तो साबित हुआ था ना कि रोहित पटवर्धन ने यह खून गुस्से में आकर किया था। इट वॉज नॉट अ कोल्ड ब्लडेड वेल प्लान्ड ब्रूटल मर्डर। फिर भी आपने उसे उम्र कैद के बजाय मौत की सजा सुनाई। पूछ सकता हूं क्यों? इंस्पेक्टर, हाउ डेयर यू क्वेश्चन माय जजमेंट? अपनी औकात भूल गए हो तुम। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया था। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना समय दिया। सर, अभी अभी आप ही ने कहा था ना कि मुजरिम हमेशा पकड़ा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था, मैं भी इसी बात में यकीन करता हूं कि मुजरिम हमेशा पकड़ा ही जाता है। एनी प्रोग्रेस सर? जुगल किशोर के घर का नंबर है 6360329 और उनका एड्रेस है 305 जजेस कॉलोनी। श्रीवास्तव, तुम एक काम करो, डिपार्टमेंट के स्केचिंग आर्टिस्ट को बुलाओ। जी। और वो जेके की पत्नी का क्या नाम बताया था शांता भाई ने? मधु। मधु, जस्ट अ मोमेंट। Hello. Can I speak to Mrs. Madhu Jugal Kishore, please? Yes, speaking. देखिए मिसेज जेके, मैं इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं कब मिल सकता हूँ आपको और कहाँ? Okay. Thank you. श्रीवास्तव, लगता है हमें उस चाबी का ताला मिल गया है। अंधेरा क्यों है? ये मधु कहां गई? मधु, मधु, रामदीन, अरे भाई कहां मर गए सब लोग? कोई नहीं मरा जज साहब, न मधु न रामदीन, और अब तो
रोहित पटवर्धन भी नहीं मरेगा। मरी है तो सिर्फ स्मिता, स्मिता वाटकर। तुम? जी हां, जस्टिस जुगल किशोर उर्फ जेके। आपने कहा था ना कभी कि कानून के भाग्य से और कातिल के दुर्भाग्य से कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती है कि अंततः कातिल पकड़ा ही जाता है। आपने कहा था ना, ये देखिए 6 महीने बाद एक सुराग धरती का सीना फाड़ कर बाहर निकला। ये चाबी स्मिता जी के घर की और ये चाबी आपके घर की। यही वो चाबी है जिससे मैंने आपका दरवाजा खोला और आपके घर में आ गया। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तो मेरा स्केच है, इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, क्या खास बात है इसमें? तो है कौन है ये? मैं ऐसा नहीं जानता। शांता भाई, पांडे, ये लोग इस चेहरे को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपका ये रूप भी हो सकता है। कभी ना कभी पकड़ा जरूर जाता है।